नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं एल जी डब्ल्यू टेन को और साथ में है सैमसंग गैलेक्सी ए टेन एस। दोस्तों यहाँ पर मैंने इस दोनों ही फ़ोन को ऑलरेडी अनबॉक्स करा चुका हूँ और यहाँ पर मैं एक बेसिक कंपैरिजन आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे इन दोनों में से कौन सा फ़ोन आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप एक बजट रेंज फ़ोन लेना चाहते हैं, 10,000 के अंदर का फ़ोन लेना चाहते हैं, तो दोनों ही आपको जो है इसी ऑप्शन में मिल जाते हैं। लेकिन इनमें से क्वालिटी किसकी ज़्यादा बेहतरीन रहेगी, चूँकि एल जी भी एक बड़ी ब्रांड है और सैमसंग भी एक बड़ी ब्रांड है, तो बहुत सारे लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न होता है। हालाँकि सैमसंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है, एल जी उतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि इनमें से क्वालिटी किसकी ज़्यादा बेहतरीन निकलती है। ये फ़ोन मुझे मिला है डीके जी मोबाइल्स की तरफ से, तो अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स अवेलेबल हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों जल्दी से करते हैं इन दोनों को ही कंपेयर और जानते हैं इनकी पूरी डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी ए टेन एस और साथ में है एल जी का डब्ल्यू टेन। और बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले बॉक्सेस के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा अंतर यहाँ पर आपको दोनों की ही पैकिंग में देखने को मिलेगा। एक बार जल्दी से जाकर देखते हैं इसके बैक सेक्शन को, तो दोनों में ही आपको कुछ बेसिक सी डिटेल वगैरह दे रखी है। बात करी जाए सबसे पहले ए टेन एस की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको इन्फिनिटी वी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डुअल कैमरा देखने को मिल जाते हैं और फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। साथ ही डिटेल्स तो और भी बहुत कुछ दे रखी है। बात करेंगे अभी हम यहाँ पर एल जी डब्ल्यू टेन की, तो यहाँ पर डब्ल्यू टेन में आपको एच डी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि नॉच डिस्प्ले आपकी रहती है, 4000 mAh की बैटरी है और साथ में ये फेस अनलॉक के साथ आपका आता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों के ही की फीचर्स दे रखे हैं। वेरिएंट की बात करी जाए तो दोनों ही हमारे 32GB वेरियंट है और यहाँ पर रैम आपको देखने को मिल जाती है 3/32 की। दोस्तों यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी ए टेन एस आपका जो है 2GB रैम के साथ भी अवेलेबल रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं कि अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सैमसंग में आप देख सकते हैं कि आपको एक अलग से सेक्शन दे रखा है, लेकिन फिलहाल अभी इसको साइड में ही रखेंगे। और बात करी जाए डब्ल्यू टेन की, तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सी पैकिंग दे रखी है, बॉक्स के अंदर बॉक्स है। अब बात करते हैं सैमसंग के बारे में, तो इस सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ पेपर वर्क वगैरह देखने को मिल जाएगा, कवर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला है। और देखते हैं कि यहाँ पर आपकी रहती है रीजनल लॉक गाइड, वारंटी कार्ड और साथ में ये क्विक स्टार्ट गाइड रहती है। तो दोस्तों फिलहाल तो इनका कोई यूज़ है नहीं, इसलिए इनको साइड में रख लेते हैं। बात करी जाए यहाँ पर डब्ल्यू टेन की, तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आपको क्या क्या मिल जाता है। इसका बॉक्स थोड़ा सा जो है अजीब टाइप का है, तो इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया ओपन। फ़ोन रहता है आपका ये अंदर, तो इसको निकाल के फिलहाल तो साइड में रख लेते हैं, क्योंकि बाद में बात करेंगे इसके बारे में। और आपको मिल जाती है अंदर जो है कुछ जो है पेपर वर्क, कोई एक स्टार्ट गाइड वगैरह है, तो इसको भी निकाल के साइड में ही रख लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करी जाए दोनों के कंटेंट की, तो आपको थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी, लगभग सेम कंटेंट यहाँ पर आपका रहता है। दोस्तों दोनों में ही आपको जो है पावर एडॉप्टर्स देखने को मिले हैं, जिनकी आउटपुट रेटिंग की अगर बात करी जाए, तो एक बार निकाल के इनको बाहर निकाल कर देखते हैं गौर से। तो यहाँ पर आउटपुट रेटिंग आपको जो है सैमसंग में 5 वोल्ट 1.55 एम्पियर के देखने को मिल जाती है, वहीं एलजी में आपकी 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ ही आपका आता है। दोनों में ही आपको अंदर की तरफ सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर इनकी कॉर्ड के बारे में, तो इसको रख लेते हैं फिलहाल अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एलजी में माइक्रो एसडी केबल देखने को मिल जाती है, वहीं सैमसंग में भी आपकी जो है माइक्रो एसडी केबल रहती है, यानी कि दोनों में ही इक्वलिटी है, एक बहुत बड़ी इक्वलिटी है कि यहाँ पर दोनों में ही आपकी टाइप सी गायब है। तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल बॉक्स कंटेंट ही ये रहा, अभी हम लोग फटाफट सामान को कर लेते हैं साइड में, क्योंकि मेज गई है पूरी तरीके से भर, उसके बाद बात करते हैं डिटेल में इन फोन्स के बारे में। तो दोस्तों ये रहे हमारे फ़ोन। अगर बात करी जाए सबसे पहले इनके लुक के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिल रही होंगी। नेक्स्ट अगर हम लोग जल्दी से चलते हैं, मैंने दोनों ही फ़ोन को सेटअप करके रखा हुआ है। स्क्रीन की अगर बात करी जाए, तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन में आपको कोई खासा अंतर देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि दोनों में ही आपकी एच डी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। लेकिन एक छोटा सा अंतर यहाँ पर जो कि मायने भी रखता है, वो यहाँ पर है। लेकिन सबसे पहले अगर बात करते हैं साइज के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर सैमसंग में आपकी 6.20 इंचेस की है, वहीं एलजी में आपकी जो है 6.19 इंचेस की है, यानी कि बहुत ही माइनर से भी माइनर अंतर है, जो कि मायने नहीं रखता है। लेकिन जो मेन अंतर है वो यहाँ पर इनके नॉच में है। दोस्तों सैमसंग में आपको वाटर ड्रॉप नॉच दे रखी है, वहीं दोस्तों यहाँ पर एलजी में आपको फुल व्यू नॉच देखने को मिल जाती है।
बात करी जाए अगर इनके सेल्फी कैमरा की तो दोनों में ही 8 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमराज होते हैं और ऊपर की तरफ आपका सैमसंग में और यहाँ पर नॉच में आपका जो है एलजी के स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। साइड की अगर बात करी जाए तो दोनों में ही पावर बटन होते हैं। अपर सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी सैमसंग में सेकेंडरी माइक होता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। W10 में यहाँ पर आपका सिम स्लॉट होता है। बैक सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो है बेसिक सा एक अंतर देखने को मिल जाएगा सबसे पहले तो इनके लुक में, लेकिन कोई खास अंतर नहीं है। अगर यहाँ पर कलर को छोड़ दिया जाए तो बैक सेक्शन काफ़ी ज़्यादा सेम रहता है। कैमरे की अगर बात करें तो दोस्तों दोनों में ही आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। सैमसंग की तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको 13+2 मेगापिक्सल के कैमराज, वहीं एलजी में आपको 13+5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। दोनों में ही बीच में आपके जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर होते हैं और सैमसंग में ऊपर की तरफ ब्रांडिंग और एलजी में नीचे की तरफ ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। दूसरे साइड की अगर बात करें तो दोनों में ही वॉल्यूम रॉकर्स होते हैं और सैमसंग में आपका सिम स्लॉट दे रखा होता है। नीचे का सेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन रहता है। दोनों में ही आपको जो है स्पीकर्स, माइक्रो एसबी पोर्ट, ऑडियो जैक और साथ में एक माइक दे रखा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लुक वाइज तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देखने को मिली है। अगर हम स्क्रीन में नॉच की बात छोड़ दें तो काफ़ी ज़्यादा इक्वलिटीज़ यहाँ पर दोनों में ही आपको देखने को मिल रही हैं। अगर बात करी जाए जल्दी से जाकर एक बार जो है इस दोनों ही फ़ोन के UI के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिल जाएगा LG में, लेकिन वहीं सैमसंग में आपको One UI देखने को मिल जाता है। अबाउट फोन में अगर जाकर बात करते हैं दोनों की और देखते हैं क्या क्या जो है दोनों में डिफरेंसेस रहते हैं, टेक्निकल डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी जो अच्छी बात है यहाँ पर स्क्रीन क्वालिटी में कोई खासा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। अभी मैं यहाँ पर इसकी भी ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। आप देख रहे होंगे लगभग दोनों की डिस्प्ले एकदम सेम रहती है। वाइट कलर में इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से जज किया जा सकता है और यहाँ पर डिस्प्ले में आपको कोई भी खास अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर अबाउट फोन में आपको दे रखी होती है कुछ नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो दोस्तों यहाँ पर सैमसंग की सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। UI के बारे में आपको One UI देखने को मिल जाता है। W10 में आपका स्टॉक एंड्रॉयड रहता है। दोनों में ही आपको जो है एंड्रॉयड वर्जन 9 Pie देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की अगर बात करें तो दोनों में ही आपको Helio P22 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। बात करी जाए यहाँ पर अगर इनके वेरिएंट के बारे में तो दोस्तों दोनों में ही आपको 3GB रैम देखने को मिल जाएगी और साथ ही 32GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ दोनों ही आते हैं। हालांकि A10s में आप चाहें तो 2GB वाला भी वेरिएंट परचेज कर सकते हैं, लेकिन W10 में अभी फिलहाल ऐसे कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। अब अगर जल्दी से बात करते हैं जाकर एक बार इसके सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यानी कि इसके कैमरा की तरफ, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों को ही कर लिया जो है ऑन और यहाँ पर मैं करता हूँ एक फ़ोटो को क्लिक और देखेंगे कि क्या रहती है इसकी परफॉर्मेंस। हालांकि LG की तरफ से मुझे कोई खास परफॉर्मेंस की उम्मीद लग नहीं रही है, क्योंकि मैंने अभी देखा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लरनेस आपको यहाँ पर इमेज में देखने को मिल रही है। हालांकि सैमसंग में भी दिक्कत वही है, ब्लरनेस दोनों में ही है, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करा लें तो कहीं ना कहीं मुझे सैमसंग ज़्यादा पसंद आ रहा, चूँकि जूमिंग क्वालिटी ठीक ठाक देखने को मिल रही है यहाँ पर, लेकिन LG में कहीं ना कहीं आपका काफ़ी ज़्यादा इमेज ब्लर होने लग जाती है। तो कैमरे की अगर बात करी जाए तो दोनों में ही आपको एक एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं सैमसंग थोड़ा सा आगे निकल जाता है। अब अगर जल्दी से चला जाए एक बार दोनों के सेल्फी कैमरा की तरफ और देखते हैं क्या रहती है इनकी परफॉर्मेंस। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों से ही कर ली फोटो को क्लिक और काफ़ी ज़्यादा अंतर तो मैं नहीं कहूँगा देखने को मिला है, लेकिन अगर बात करी जाए इनकी जूमिंग क्वालिटी की तो कहीं ना कहीं सैमसंग में आपको जूमिंग क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर LG थोड़ा सा पीछे आपका रह जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यही कहूँगा कैमरे के मामले में लेकिन अगर क्वालिटी कलर कंट्रास्ट की बात करें तो दोनों में ही आपके इक्वल लगभग इक्वल आ रहे हैं। तो मेरा जो इसका लेकर व्यूज़ है तो लगभग दोनों ही सेम ही है एक तरीके से, कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल व्यू की बात करें, मेरी पसंद की बात करें, तो यहाँ पर मैं सैमसंग आपको प्रेफर कर दूंगा। नेक्स्ट अगर बात करी जाए यहाँ पर जल्दी से जाकर इनके फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक के बारे में, तो दोस्तों दोनों में ही आपको बैक पर दे रखे होते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर और जैसे ही यहाँ पर मैं फिंगर लगाता हूँ तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सैमसंग आपका थोड़ा सा फास्ट रहता है। एक बार फिर से इस चीज़ को ट्राई करके देखते हैं और जैसे ही यहाँ पर मैं फिंगर लगाऊंगा देखते हैं किसका रिएक्शन पहले होता है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर आपका जो है सैमसंग गैलेक्सी 8NS थोड़ा सा आगे निकल जाता है। तो दोस्तों एक बार आप फाइनल चेक करके और देख लेते हैं कि कौन ज़्यादा आगे है। तो एक बार मैं फिर से इस चीज़ को करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी 8NS आपका आगे निकल रहा है। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूँ यहाँ पर फेस अनलॉक के, तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको एक अंतर देखने को मिलने वाला है और जैसे ही मैं इसे ऑन करके अपनी फेस की तरफ लाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि दोनों में ही आपको डिले मिला और यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी 8NS थोड़ा सा आगे निकल गया। एक बार फिर से चेक करके देखते हैं इस चीज़ को तो यहाँ पर फिर वही चीज़ आपको देखने को मिली है कि सैमसंग आपका थोड़ा सा तेज़ी से रिस्पॉन्ड कर रहा है LG की अपेक्षा।
फाइनल चेक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में ही डिले है, लेकिन सैमसंग आपका थोड़ा सा फास्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर ये रहा इसका बेसिक सा कंपैरिजन। अभी हम लोग देखेंगे इसके कुछ पिक्चर सैंपल्स, उसके बाद बात करेंगे क्या ये फ़ोन्स आपको लेने चाहिए या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपने देखे होंगे इसके कुछ पिक्चर सैंपल्स, अगर बात करी जाए कैमरा परफॉर्मेंस की तो दोनों की ही लगभग लगभग बराबर रहती है, लेकिन अगर LG और सैमसंग को कंपेयर कराएं तो सैमसंग थोड़ा सा ऊपर आपका निकल जाता है। 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ कैमरा की बात कराते हैं तो आपका थोड़ा सा सैमसंग आगे है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए यहाँ पर इनकी फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक की, तो LG की कहीं मतलब ये समझिए स्टैंड नहीं कर रहा है सैमसंग के सामने। एक माइनर डिले दोनों में ही आपको देखने को मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं LG जो है सैमसंग को कॉम्पीट कर ही नहीं रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जो है एक अंडर बजट फ़ोन लेना चाहते हैं तो सैमसंग आपके लिए कहीं ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा LG की अपेक्षा। वहीं पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी सैमसंग ज़्यादा चलता है LG की अपेक्षा, तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप सैमसंग में चले जाइए। LG की क्वालिटी में हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि LG को थोड़े से और इम्प्रूवमेंट लाने चाहिए अपनी बिल्ड क्वालिटी में, अपने फीचर्स में, और अपनी सबसे बात है ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्योंकि आजकल जितनी भी बड़ी ब्रांड्स हैं, चाहे ओप्पो हो, वीवो हो, या MI हो, या सैमसंग हो, सबके खुद के UI हैं अपने, वो उनको इस्तेमाल करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। लेकिन यहाँ पर जो है आपको स्टॉक एंड्रॉयड देकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मज़ा उतना अच्छा नहीं आता है। हालांकि बहुत लोगों को तो वो ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन मुझे तो कम से कम नहीं पसंद आता है बिल्कुल प्योर एंड्रॉयड। तो अगर थोड़ा बहुत UI होता है तो वो आपको ज़्यादा ही मज़ा देगा। तो दोस्तों मेरे व्यूज तो एकदम क्लियर हैं दोनों ही फ़ोन्स के बारे में। हालांकि काफ़ी ज़्यादा इक्वालिटी है दोनों ही फ़ोन में परफॉर्मेंस के मामले में, इनकी फीचर्स के मामले में, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा सैमसंग पसंद आता है। तो अगर आपको क्या पसंद आया ये आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इनमें से किसी भी मॉडल को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको लिंक्स दे रखे हैं, साथ ही प्राइस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।